डभोई में ऐसा विराट दृश्य पहले कभी नहीं देखा। ये विराट जनसागर मां नर्मदा की भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। आज विश्वकर्मा जयंती है। भारत में सदियों से जो हाथ से काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, श्रम करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, मिस्त्री हो, मिट्टी का काम करने वाले हो, चूने और सीमेंट का काम करने वाले हो, जो भी स्थापत्य से जुड़े हुए कामों से जुड़ा है, उन सबको भारत में विश्वकर्मा के रूप में देखा जाता है। आज ऐसे विश्वकर्मा की जयंती का पर्व है और इसलिए इससे बड़ा कोई उत्तम संयोग नहीं हो सकता है कि जब विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा के उपासक जिन जिन लोगों ने इस सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया है, उन सब के उस परिश्रम का पुण्य स्मरण करते हुए, उनकी उस कठोर साधना का पुण्य स्मरण करते हुए मां भारती को हिंदुस्तान का एक बड़ा सरदार सरोवर डैम सौगात में देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, यहां मुझे आज मेरे जन्मदिन की भी बहुत सारी बधाइयां दी जा रही है। जिन जिन लोगों ने बधाई दी है, जिन जिन लोगों ने शुभकामना व्यक्त की है, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जन्मदिन के साथ साथ जो भावनाएं प्रकट की है, उस भावनाओं के अनुकूल अपने आप को निखारने का, बनाने का और पल पल आपके सपनों के लिए जीने के लिए मैं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। जीऊंगा तो आपके सपनों के लिए, खपूंगा तो भी आपके सपनों के लिए, और आपके सपने साकार हो इसके लिए 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति जुटा करके एक नया भारत, एक न्यू इंडिया, उसको पाकर के रहना है। एक गांधी, दुबले पतले गांधी, साबरमती के आश्रम में साधना करते करते देशवासियों को आजादी के लिए जोड़ सकते हैं, तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से, साबरमती के आशीर्वाद से, देश के वीर पुरुषों के त्याग तपस्या के आशीर्वाद से, इस देश के महापुरुषों की साधना के आशीर्वाद से 125 करोड़ देशवासी आजादी के 75 साल होने पर एक नए भारत का निर्माण बनाने में
कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये सरदार सरोवर डैम आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा जहां भी होगी हम सब पर ढेर सारे आशीर्वाद वो हम पर बरसाती होगी। दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं, 71 साल पहले, आजादी के पहले, मेरे भी जन्म से पहले, हम में से कईयों के जन्म से पहले सरदार पटेल साहब ने सरदार सरोवर डैम का सपना देखा था। देश आजाद हुआ, मैं आज बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि दो महापुरुष अगर कुछ और साल जीवित रहे होते तो ये सरदार सरोवर डैम 60-70 के दशक में ही बनकर के ये पश्चिम के सारे राज्य सुजलाम सुफलाम बन गए होते, हरे भरे हो गए होते, हिंदुस्तान के अर्थ जगत को एक अभूतपूर्व सामर्थ्य देने का सौभाग्य पश्चिम के इन राज्यों को मिला होता। वे दो महापुरुष थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने नर्मदा नदी के महात्म्य को, सामर्थ्य को और गुजरात की आवश्यकता को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के जीवन को, एक मां नर्मदा कैसे बदल सकती है, इसका सपना संजोया था, दीर्घ दृष्टि से उस प्रोजेक्ट की कल्पना की थी। और दूसरे महापुरुष थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर का अध्ययन करने का अवसर मिला है वो देख सकते हैं कि भारत में जल क्रांति के लिए, जल शक्ति के लिए, वाटरवेज के लिए, सामुद्रिक सामर्थ्य के लिए मंत्रिपरिषद के अपने अल्पकाल में भी जितनी योजनाएं, जितनी कल्पनाएं पूज्य बाबा साहब आंबेडकर ने रखी थी, शायद ही एक सरकार इतना काम सोच भी सकती है जो काम बाबा साहब आंबेडकर ने सोचा था। अगर ये दो महापुरुष कुछ साल ज्यादा जीवित रहते, हमें उनके सेवाओं का लाभ कुछ वर्ष अधिक मिला होता तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज बाढ़ के कारण जो प्रदेश तबाह हो जाते हैं, सूखे के कारण जहां का किसान मर रहा है, ये सारी समस्याओं से देश पार निकल आता और देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार कर लेता। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें इन दोनों महापुरुषों को बहुत पहले खो देना पड़ा। आज ये सरदार सरोवर डैम
भारत को समर्पित हो रहा है, 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित हो रहा है, गांधी और सरदार की धरती से समर्पित हो रहा है, जिस धरती पर बाबा साहब आंबेडकर की जिंदगी में एक नया बदलाव आया था गायकवाड़ के कारण, उस धरती से समर्पित हो रहा है। देश की एक नई ताकत का ये प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज इन सभी महापुरुषों को उनका स्मरण करते हुए ये भव्य दिव्य योजना आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं, देशवासियों को समर्पित करता हूं, मां भारती को समर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, योजनाएं बनना, योजनाएं पूरी होना बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन शायद हिंदुस्तान में जितनी तकलीफें मां नर्मदा को झेलनी पड़ी, इस योजना को झेलनी पड़ी, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटें पैदा न की। वर्ल्ड बैंक ने फैसला कर लिया, सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भारत के लिए हजारों करोड़ रुपए की इतनी बड़ी योजना आर्थिक मदद के बिना हो नहीं सकती थी। और उसी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पर्यावरण के विरोधी हैं, अपप्रचार की आंधी चलाने वालों ने इतना झूठ फैला के रखा था। भाइयों बहनों, हमने भी ठान ली थी वर्ल्ड बैंक और नो वर्ल्ड बैंक, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे, और आज इसने बना दिया। जिस वर्ल्ड बैंक ने एनवायरमेंट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर सरदार सरोवर डैम को मदद करने से इनकार कर दिया था, 2001 में कच्छ के भूकंप के बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ और वो इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हुआ। उसी वर्ल्ड बैंक को गुजरात के भूकंप के काम को वर्ल्ड बैंक का एनवायरमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड, ग्रीन अवार्ड गुजरात को देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भाइयों बहनों, अगर एक बार हिंदुस्तान के लोग संकल्प कर लेते हैं तो दुनिया की हर चुनौती को चुनौती देने का सामर्थ्य ये देश रखता है भाई, और उसी का परिणाम है। और सरदार सरोवर डैम का काम कभी कभी हमारे देश में राज्यों की शक्ति, राज्यों की चुनौती, इसकी बहुत चर्चा होती रहती है, कंपैरेटिव स्टडी होता रहता है, लेकिन पश्चिम भारत के हम कुछ राज्य अगर आजादी के बाद का इतिहास देखा जाए, हम ज्यादा से ज्यादा इन इलाकों में विकास के अंदर सबसे बड़ी कोई रुकावट बना है तो पानी बना है। पानी का अभाव, पशु हो इंसान हो, अपना खेत खलिहान गांव छोड़ करके 200-200, 400-400 किलोमीटर दूर चले जाते थे, जहां पानी मिल जाए वहीं पर 4-6 महीना गुजारा करके जब वर्षा होती थी तो वापिस आते थे। कभी किसी ने इस दर्दनाक जिंदगी की कल्पना की है? बिना पानी को जिंदगी कैसी होती है?
जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, सीमा पर जाना मेरा स्वभाव था। बीएसएफ के जवान हो, सेना के जवान हो, मैं दिवाली उनके बीच मनाया करता था। जब एक बार गुजरात की सीमा पर जाकर के बीएसएफ के जवानों के साथ बैठा, तो बीएसएफ के जवान पीने के लिए पानी सैकड़ों कैमल, सैकड़ों ऊंट पानी ढोकर के लाते थे। तब ये रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवानों को पीने का पानी मिलता था। उस दर्द को मैंने भली भांति अनुभव किया। और जब सरदार सरोवर डैम का काम आगे बढ़ा, तो मन में एक इच्छा जगी कि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मेरे बीएसएफ के जवान जो बिना पानी रेगिस्तान में खड़े हैं, मैं नर्मदा का पानी उन तक ले जाऊंगा। पाइपलाइन लगाई 700 किलोमीटर दूर, कई वर्षों से, दशकों से ऊंट जब पानी ढोकर के लाता था, तब मेरे देश की रक्षा करने वाला जवान पानी को पाता था। जिस दिन मैं पानी लेकर के, नर्मदा का पानी लेकर के पहुंचा, मैंने बीएसएफ के जवानों के चेहरे पर वो खुशी देखी थी। वो इंजीनियरिंग मिरेकल था कि हमें यहां से पानी उठा करके 700 किलोमीटर दर नर्मदा का पानी पहुंचाया, और पहुंचाने के लिए पानी को कभी कभी तो 60 मंजिला ऊंचाई तक उठा करके ले जाना पड़ा, फिर नीचे ले आए। भाइयों बहनों, पूरा सरदार सरोवर डैम एक इंजीनियरिंग मिरेकल है, कैनाल नेटवर्क इंजीनियरिंग मिरेकल है। और मैं तो देश के आर्किटेक्टर्स को, इंजीनियर्स को, स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वो अपने अध्ययन में एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको लें, भविष्य में निर्माण कार्य के लिए कैसी नई दिशा मिलती है उनको अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, ये गुजरात के नहीं, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनके करोड़ों किसानों के भाग्य को बदलने वाला प्रोजेक्ट। गुजरात ने इसको लीड लिया, और भाइयों बहनों, हमने कोशिश की, दुनिया भर की हमारी आलोचना करने के प्रयास हुए, अनाप शनाप झूठे आरोप लगाए गए। मां नर्मदा का इस योजना को रोकने के लिए ढेर सारे षड्यंत्र हुए, लेकिन हमने हमेशा ये करके रखा था कि हम इसको राजनीतिक विवादों का विषय नहीं बनने देंगे। ये 21वीं सदी की भावी पीढ़ी का भाग्य का निर्णय करने वाले हैं, इसलिए राजनीति के भाषा के साथ हम अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आज भी उसका पालन करता आया हूं। कितनी मुसीबतें हुई है, किस किसने मुसीबत की है, मेरे पास कच्चा चिट्ठा है, लेकिन वो राजनीति मुझे करनी नहीं है, उस रास्ते पर मुझे जाना नहीं। मैंने देखा है गुजरात के साधु महात्मा, अध्यात्म का संदेश देना जिनके जीवन का काम था, लेकिन जब जब सरदार सरोवर नर्मदा योजना की बात आई, मैंने देखा है गुजरात का संतगण, उसने अगुवाई की लड़ाई लड़ी, अनशन पर बैठे। इतना ही नहीं, जब वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया था, तो गुजरात के मंदिरों से भी सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए पैसे दिए गए थे, और तब जाकर के ये सरदार सरोवर डैम बना। और इसलिए
ये किसी एक दल का, किसी सरकार का कार्यक्रम है ऐसा हमने कभी नहीं माना। ये कोटि कोटि जनों का कार्यक्रम है, पानी के लिए तरसते हुए लोगों के संकल्प का कार्यक्रम है। और ये पानी गुजरात की धरती को, सूखी धरती को, भाइयों बहनों जीवन में कुछ पल होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बड़ी भावुकता से भर देते हैं। मेरे जीवन में भी मां नर्मदा के लिए कुछ भी करना ये भावुकता से भरा हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरी धरती मां, ये रूखी सुखी मेरी धरती मां पानी के बूंद के लिए तरसती हुई धरती मां, उसको जब नर्मदा का पानी एक बेटा देता है, उस बेटे के लिए इससे बड़ी भावुक पल क्या हो सकती है। मेरे राज्य की कोटि कोटि माताएं बेटियां पढ़ाई छोड़ करके सर पे बर्तन लेकर के 3-3 किलोमीटर पीने का पानी लेने के लिए जाती थी। 6 साल 8 साल 10 साल की बच्ची मां को पानी लाने में मदद करती थी, पढ़ाई छोड़ देती थी। एक बेटे के नाते आज जब ये मां नर्मदा का जल उनकी मुसीबतों को मुक्त करता है, तो इन कोटि कोटि माताओं के आशीर्वाद मुझ जैसे बेटे को मिले, इससे बड़ा जीवन का भावुक पल क्या होता। वो अबोल पशु जो बोल नहीं पाते, मानव जात की सेवा के लिए उनका शरीर काम आता है, वो अबोल पशु पीने का पानी, खाने के लिए घास चारा, इसको पाने के लिए 200-200 किलोमीटर पशु पैदल चले जाते थे। आज जब नर्मदा का पानी पहुंचेगा, हरा चारा मिलेगा, हरा चारा मेरा वो पशु खाएगा, अबोल पशु को पीने का पानी मिलेगा, अबोल पशु भी जब आशीर्वाद देता है, तो भारत मां के बेटे के रूप में इन कोटि कोटि पशुओं के आशीर्वाद भी मेरे लिए भावना का सबसे बड़ा पल होना बहुत स्वाभाविक। भाइयों बहनों, मैं जन्मदिन मनाने वाले लोगों में से नहीं रहा, लेकिन जन्मदिन में और विश्वकर्मा जयंती हो और कोटि कोटि लोगों के पूरी शताब्दी के भाग्य का निर्माण होता हो, तो ये पल, ऐसा पल इतने सालों में मेरे जीवन में कभी नहीं आया जो आज गुजरात ने मुझे दिया। भाइयों बहनों, विकास की तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, पंडित लोग इसको अध्ययन करेंगे। कंक्रीट कितना उपयोग हुआ, कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी और कंडला से कोहिमा 8 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जाए हिमालय से समंदर तक और कंडला से कोहिमा तक, 8 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जाए, उसमें जितना कंक्रीट लगता है इतना कंक्रीट इस प्रोजेक्ट में लगाया है। भाइयों,
क्या कुछ नहीं करना पड़ा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये नर्मदा का पानी ये पानी नहीं है, ये पारस है, पारस। और जब पारस का पर्स लोहे से होता है तो लोहा भी सोना हो जाता है, वैसे ही ये पारस रूपी मां नर्मदा का स्पर्श धरती के जिस कोने में होता है वो स्वर्णिम बन जाती है भाइयों बहनों। और इसलिए भारत के स्वर्णिम भाग्य का काम ये नर्मदा मई पारस रूपी मां के द्वारा होने वाला है, ये मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, किसान का भरा होगा, पीने का पानी मिलेगा, गुजरात में आर्थिक क्रांति आएगी। लेकिन हमारे देश में देखिए, पश्चिम भारत पानी के लिए तरसता है और पूर्वी भारत उसको विकास के लिए बिजली चाहिए, गैस चाहिए। और आपने देखा है, जब से हम दिल्ली सरकार में बैठे हैं, केंद्र में सेवा करने का आपने मौका दिया है, हमने भारत का संतुलित विकास हो, पश्चिम को पानी मिले, पूरब को बिजली मिले, गैस मिले, ताकि मेरा पूरब भी ताकतवर बने, मेरा पश्चिम भी ताकतवर बने और मेरी भारत मां की दोनों भुजाएं सामर्थ्यवान बने। उस योजना को लेकर के हम काम करें। भाइयों बहनों, ये सरदार सरोवर डैम ये किसी राज्य का नहीं, मुझे बराबर याद है जब राजस्थान को पानी दिया सरदार सरोवर डैम से, राजस्थान को पानी दिया, वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जी, भैरव सिंह जी भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो मुझे मिलने आए। उन्होंने मुझे कहा था, भैरव सिंह जी और जसवंत सिंह जी ने कहा था कि मोदी जी, आपको मालूम है ये राजस्थान को पानी देने का मतलब क्या होता है। बड़े भावुक थे और बड़े भावना से उन्होंने कहा, मोदी जी जरा इतिहास देख लीजिए, थोड़े से पानी के लिए सदियों पहले राज्यों के बीच तलवारें चलती थी, लड़ाइयां होती थी, राज्यों का पराजय हो जाता था, जय विजय का इतिहास बन जाता था। और आपने कोई संघर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, सीधा सीधा सरदार सरोवर से नर्मदा का पानी राजस्थान की सूखी धरती को दे दिया, बाड़मेर पाकिस्तान की सीमा तक पानी पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, मैंने उन दो नेताओं की आंख में वो भावनाएं देखी हुई, और मुझे खुशी है कि जब जब ऐसे लोगों को शासन करने का मौका मिला है जिनके लिए दल से बड़ा देश है, तब तब नर्मदा योजना ने प्रगति की है। जिनके लिए देश से बड़ा दल है उस समय नर्मदा योजना को रुकावटें आई है। आज ये डैम का काम पूरा हुआ है। मैं आदरपूर्वक मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आदरपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। आज ये योजना पूरी हुई है, इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र की जनता, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
आज ये योजना परिपूर्ण हुई है। मैं उन मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं जिन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अपना कुछ छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ने के लिए आगे आए, और उनकी तरफ एक आदर के भाव के साथ आने वाली भी सरकारें देखेंगी, ये मुझे विश्वास है। उनके सुख दुख की चिंता आने वाली भी सरकारें करेंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं उन मेरे आदिवासी भाई बहनों को नमन करता हूं जिनके त्याग के कारण, जिनके बलिदान के कारण आज ये भारत मां, प्यासी मेरी भारत मां, नर्मदा के जल से पुष्पित पल्लवित होने जा रही है। इससे बड़ा जीवन का क्या सौभाग्य हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भारत को एक बनाने का भगीरथ काम सरदार साहब ने किया। अगर सरदार साहब न होते तो देश कैसा बिखरा हुआ होता, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। कश्मीर को छोड़कर के पूरे हिंदुस्तान को एक करने का काम सरदार साहब के जिम्मे था, उन्होंने करके दिखाया, और आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद इस महापुरुष को जिस रूप में देश को समझना चाहिए, जिस रूप में इस महापुरुष की देश की उस पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको किसी न किसी कारण से संभव नहीं हुआ। मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूं कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों में भी सरदार साहब का नाम अमर रहे, सरदार साहब का काम अमर रहे, सरदार साहब की प्रेरणा अमर रहे। और कभी कभी प्रतीकात्मक चीजें वो प्रेरणा का कारण भी बनती है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए दुनिया में, आप मुझे भली भांति जानते हैं, मुझे छोटा काम जमता ही नहीं है। न मैं छोटा सोचता हूं, न मैं छोटा करता हूं। 125 करोड़ का देश जब मेरे साथ हो, 125 करोड़ देशवासियों के सपने हो, तब मुझे छोटे सपने देखने का हक भी नहीं है भाई। और इसलिए सरदार साहब का स्टैच्यू बनाने का निर्णय किया तो मन में ठान ली थी ये दुनिया में सबसे ऊंचा होगा, दुनिया में सबसे ऊंचा। कुल मिलाकर करीब 190 मीटर और प्रतिमा होगी 182 मीटर। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे सरदार साहब की प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ऊंची होगी, डबल होगी भाई। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया भर से लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाते हैं। हमारे यहां दक्षिण गुजरात में जाओ तो सापुतारा है, सौराष्ट्र में जाओ तो गिर के लायन है, कच्छ में जाओ तो बढ़िया सा रेगिस्तान है, उत्तर में जाओ तो मां अंबे हैं, थोड़ा आगे जाओ तो आबू है। लेकिन एक मेरा इलाका ऐसा है कि जहां टूरिज्म की संभावनाएं हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल स्टैच्यू आप देख लेना, मेरे शब्द लिख करके रखना, रोजाना लाखों लोग यहां आते होंगे, लाखों लोग आते होंगे। टूरिज्म का एक ऐसा सेंटर बन जाएगा, यहां के हजारों गांवों की रोजी रोटी का वो कारण बनने वाला है। ये सपना मैंने देखा हुआ है, और यहीं पर
देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग, कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए, देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100-100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं आप भारतीय की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इसलिए हिंदुस्तान में जहां जहां जिस जिस राज्य में आदिवासियों ने 1857-1947 तक आजादी के जंग में जो कुछ भी किया है, हमारी सरकार उसका म्यूजियम बनाना चाहती है। देश की भावी पीढ़ी को हमारे आदिवासियों के लिए गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। मां भारती के लिए मरने वाले उनके पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और इसलिए हिंदुस्तान के सभी राज्य जहां जहां आदिवासियों के पराक्रम की गाथा है, वहां ऐसा एक आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला वर्चुअल म्यूजियम बनाना है। आज उसकी शुरुआत शिलान्यास करने का मुझे अवसर गुजरात की धरती से मिला है। धीरे धीरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये पनपेगा। मैं इसे मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं और मेरे उन वीर आदिवासियों को, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के हमारे जाबूगाड़ा के नायका समाज तक के हर किसी के प्रति श्रद्धा और आदर का नमन करते हुए आज इसका शिलान्यास भी करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आने वाले समय में इसका भी लाभ। ये पूरा सरदार सरोवर डैम वाटर स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स के लिए, रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के बड़े सेंटर के लिए एक ऐसा ये जगह बनने वाली है जो गुजरात की सबसे आर्थिक गतिविधि वाला केंद्र, ये कल तक जो जंगल थे रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों में लोगों को भटकना पड़ता था, अब रोजी रोटी यहां घर के सामने आएंगी, ये काम होने वाला है। वडोदरा से लेकर के, भरूच से लेकर के, रोड का निर्माण, रेल का निर्माण, तेज गति से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण, ताकि टूरिस्ट लोग वहां आए, आराम से आए और हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट सेंटर बने। एक आगरा का ताजमहल सदियों पहले बना, आज भी दुनिया में हम सिर्फ एक आगरा का ताजमहल दिखाते रहते हैं। भाइयों, हिंदुस्तान के हर कोने में दुनिया को देने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये सरदार सरोवर डैम, ये सरदार पटेल का स्टैच्यू, ये आदिवासियों के पराक्रम की गाथा गाने वाला म्यूजियम, ये देश या और दुनिया के टूरिस्टों को आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। ऐसे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है, डैम का लोकार्पण हो रहा है।
मैंने आज सरदार साहब के स्टैच्यू के काम को भी डिटेल में उसका परीक्षण किया। जिस गति से काम चल रहा है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, सीखने समझने जैसा लगा। मैं सचमुच में आज देशवासियों को ये अमूल्य तोहफे देते हुए बहुत ही गर्व की और संतोष की अनुभूति करता हूं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक और काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। पिछले दिनों, क्योंकि सबको मालूम होगा कि नर्मदा मैया पहाड़ से नहीं आती है, जंगलों से आती है, और इसलिए नर्मदा मैया को जंगलों से हरा भरा रखने का अभियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया। करीब 8-9 महीने पैदल यात्रा चली, करोड़ों वृक्ष लगाने का अभियान चला। इन करोड़ों वृक्षों के माध्यम से उन्होंने आने वाली शताब्दी तक नर्मदा का पानी कम न हो, इसका बीड़ा उठाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस पवित्र कार्य करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। नदी बचाने का काम शायद पहले इस देश में ऐसा नहीं हुआ है। आज मैंने देखा है हमारे देश के कई संत, कई संस्थाएं नदी बचाने का अभियान चला रही है, त्याग तपस्या के साथ चला रही है। पर्यावरण की रक्षा के लिए देश में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास भी हृदय से अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं, और इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी मैं हृदय से सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कल मैं रात को जब दिल्ली से चला, तब एक दुखद समाचार मिले। हमारे देश के एक वीर सैनिक, वीर सेनापति, और मुझे जब जब मैं मिला, हमारे देश के मार्शल श्रीमान अर्जुन सिंह, 1965 की लड़ाई जिसके नाम से जुड़ गई है, ऐसे एक वीर योद्धा 98 की उम्र, और अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम में हम मिले, पूरा यूनिफॉर्म पहन करके आते थे, व्हीलचेयर पे आना पड़ता था, और वो देखते ही खड़े होकर के सैल्यूट करते थे। मैं उनको प्रार्थना करता था, मार्शल आपने खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक ऐसे सोल्जर थे, डिसिप्लिन उनके रगों में ऐसी थी, वो ऐसे ही खड़े हो जाते थे। कल जब उनको हार्ट अटैक आया, पता चला, मैं अस्पताल उनको मिलने चला गया, जज्बा वही था, स्पिरिट वही था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन रगों में भरी पड़ी उस डिसिप्लिन की तड़पन नजर आती थी। ऐसे एक वीर योद्धा, वीर सैनिक, उनको हमने खो दिया है। मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके पराक्रम को ये देश हमेशा हमेशा याद रखेगा, उनकी डिसिप्लिन को याद रखेगा, उनकी त्याग तपस्या को याद रखेगा, मां भारती के प्रति उनके समर्पण को याद रखेगा, और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेते हुए मां भारती के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प करेगी, और 2022 में नया इंडिया बनाने की दिशा में सिद्धि प्राप्त करके रहेगी। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार गुजरात सरकार का धन्यवाद करता हूं, गुजरात की जनता का धन्यवाद करता हूं, इन चारों सरकारों का अभिनंदन करता हूं जिनका इस प्रोजेक्ट में योगदान रहा है। और बिजली घर घर पहुंचाने में मां नर्मदा भी काम आ रही है, वो जमीन को भी सुजलाम सुफलाम करेगी।
हमारे घरों में भी उजाला फैलाएगी। ऐसी मां दुर्गा को नमन करते हुए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, दो मुट्ठी बंद करके मैं बोलूंगा नर्मदे, आप बोलिए सर्वदे। आज मां नर्मदा है तो सब कुछ है, नर्मदे, पूरी ताकत से बोलिए नर्मदे, 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 नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के डभोई से पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर डैम से पानी के लिए तरसते पश्चिम भारत को बड़ी मदद मिलेगी। नर्मदा का पानी सीमा पर बीएसएफ तक पहुंचाया, नर्मदा का पानी सीमा तक पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नर्मदा का पानी जहां जाएगा वो सोना हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।